हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से टॉप 30 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपकी MPPSC, MPSI, MP कॉन्स्टेबल या फिर MP व्यापम की कोई से भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है और आगे भी पूछे जाने के पूरे चांसेस इनके होते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एंड आई होप कि यहाँ से आपके एक दो नंबर के क्वेश्चन तो बिल्कुल कंप्लीट हो ही जाएंगे, जो आपके एग्जाम में हो सकता है आपको देखने को मिले। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एंड यदि आप चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो की रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने सो रहा है, मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है। अब दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर की यहाँ पे बात की गई है। अब जैसा कि यहाँ पे आपको ऑप्शन भी आपके सामने सो रहा है, ये रहे आपके ऑप्शन। अब इनमें से आप देख सकते हैं आपका जो राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तेली का मंदिर। ये जो मंदिर है दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और MPPSC की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तेली का मंदिर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा। उसके साथ में अगर बात करें MP पुलिस की, तो MP पुलिस MPSI की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है टेम्पल ऑफ खजुराहो, यानी खजुराहो का मंदिर कितने समूहों में बटे गए हैं। अब देखिए, खजुराहो के जो मंदिर है कितने समूह में बटे हैं, तो ये जो समूह में बटे हैं कितने समूह में बटे, इसका राइट आंसर आपको क्लिक करना है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तीन। तीन समूह में बटे हैं खजुराहो के मंदिर, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असत्य युग्म को छांटिए। अब देखिए, कुछ ऑप्शन आपको दिए रखे, इनमें से आपको असत्य युग्म को छांटना है, यानी कौन सा जो ऑप्शन है गलत है। तो देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है सभी सत्य है, सही है। तो और सेकंड है आपका भैंसा देवी का प्राचीन शिव मंदिर जो कि बैतूल में है। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है, भैंसा देवी का प्राचीन शिव मंदिर बैतूल में है, ये सत्य है। आगे बात करेंगे श्री बड़े बाबा का मंदिर। अब देखिए, बड़े बाबा का जो मंदिर है कुंडलपुर में, और यहाँ पे आपको आयुब को पता भी होगा जो कुंडलपुर में है बड़े बाबा का मेला भी लगता है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भी करेक्ट आपका हो जाएगा। बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर में ही लगता है, तो ये कुंडलपुर में है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन डी की, खन्नरगढ़ का दुर्ग, ये शिवपुरी। तो यहाँ पे देखिए, खन्नरगढ़ का दुर्ग शिवपुरी, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए निम्न युग्म में से डी ऑप्शन बिल्कुल आपका असत्य है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर नहीं है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका रहेगा ग्यारसपुर। ग्यारसपुर जो है गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। बाकी तिगवा की अगर बात कर लीजिए जो जबलपुर में है, सांची जो अब बात कर लीजिए सांची का स्तूप जो कि रायसेन में है, उदयगिरी की अगर बात कर लीजिए जो कि विदिशा में है, ये सभी जो कि गुप्तकालीन मंदिर हैं। अगर ग्यारसपुर विदिशा की जगह बात करें तो ये जो है गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप MP पुलिस MPSI की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई सी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं और आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए। MP परीक्षा ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, वहाँ से आप हमारे कूपन कोड ROYJGOV40 को यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको 40% का पूरा डिस्काउंट मिलेगा। एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 11वीं 12वीं सदी जैन, जो कि 11वीं 12वीं सदी की जैन प्रतिमा मिली है। तो ये जो प्रतिमा मिली है 11वीं 12वीं सदी की, ये किस स्थान पर मिली है, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है। तो ये जो स्थान है वो है आपका कसरावद, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कसरावद जो स्थान है, यहाँ पर 11वीं 12वीं सदी की जो कि जैन प्रतिमा मिली है, तो यहाँ पर आपका कसरावद ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम में MPPSC में ये क्वेश्चन रिपीट जो कि हो चुका है। आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल अगर बोला जाता है इसको, जो कि घड़ी मंदिर बनाया जा रहा है। क्लॉक टेम्पल कह लीजिए या फिर घड़ी मंदिर कह लीजिए इसको। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है विश्व का पहला घड़ी मंदिर, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब ये जो बनाया जा रहा है इंदौर में बनाया जा रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मध्य प्रदेश में विश्व मध्य प्रदेश का जो जिला है इंदौर जिले में विश्व का पहला घड़ी मंदिर बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, बड़ा महादेव मंदिर और छोटा महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, आई होप कि आपको पता भी होगा, नहीं भी पता है तो आप पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ जो कि राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, यहाँ पे बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन ए नरसिंहगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, खजुराहो में सूर्यदेव का एकमात्र बचा हुआ मंदिर कौन सा है। अब देखिए खजुराहो में जो सूर्यदेव का एकमात्र बचा हुआ मंदिर है वो है आपका चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर है ये, सूर्यदेव का मंदिर है और ये खजुराहो में एकमात्र बचा जो कि सूर्यदेव का मंदिर है। तो यहाँ पे आपका चित्रगुप्त मंदिर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। अब देखिए कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है जैसा कि आपको पता चली गए, बट कोरबा जो है सुपर थर्मल पावर स्टेशन की यहाँ पर बात की जा रही है कि कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। कोरबा तो महाराष्ट्र जो कि छत्तीसगढ़ में है, बट कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है तो ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। नाम से ही क्लियर है, आप आसानी से इसको क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है। अब देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है इंदिरा सागर, ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ये रहे आपके ऑप्शन, आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे यदि आपको पता है तो, नहीं भी पता है तो आप पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर एक, खंडवा। इंदिरा गांधी सागर जो कि इंदिरा गांधी सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो स्थित है आपका खंडवा में स्थित है, खंडवा जिले में, याद रखिए। थोड़ा सा काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी रिपीट आपके एग्जाम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का समाज कार्य महाविद्यालय कहाँ स्थित है। प्रदेश का समाज कार्य महाविद्यालय की अगर बात की जाए तो ये इंदौर में है, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। इंदौर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, कहीं भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो बिल्कुल इंदौर आप क्लिक करके आइए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य एवं लोक संगीत घराना नहीं है, यानी फोल्क म्यूजिक जो घराना बोला जाता है फोल्क म्यूजिक वो नहीं है। तो कौन सा है आपको बताना है, स्वास्थ्य एवं लोक संगीत घराना कौन सा नहीं है। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। भोपाल जो है लोक संगीत घराना नहीं है। तो यहाँ पे इंदौर और ग्वालियर दोनों हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है, भोपाल। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव निम्न में से किस स्थान पर मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में मालवा जो उत्सव मनाया जाता है कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए ये जो मनाया जाता है मालवा उत्सव मध्य प्रदेश में, ये इंदौर, उज्जैन और मांडू यानी तीनों जगह पर मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट। उपरोक्त सभी यानी उपरोक्त सभी जगह जो कि मालवा उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, इंदौर, उज्जैन और मांडू, इन तीन का नाम आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद के निकट बांद्रा भान में बालू की मूर्तियां स्थापत्य कला को प्रदर्शित करती जो कि प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुदर्शन जो कि पटनायक ने। तो होशंगाबाद के निकट बांद्रा भान में बालू की जो मूर्ति है स्थापत्य कला को प्रदर्शित करती, तो ये सुदर्शन पटनायक की जो स्थापत्य कला है उसको जो कि प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास समारोह संबंधित है। तो देखिए कालिदास समारोह जो संबंधित है ये संबंधित है आपका शास्त्रीय संगीत से। कालिदास समारोह में जो जो कि संबंधित है ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, और यहाँ पे शास्त्रीय संगीत से संबंधित यहाँ पे पुरस्कार वगैरह और यहाँ पे कला की जाती है। तो समारोह में जो भी कला की जाती है शास्त्रीय संगीत से संबंधित होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, शहादत खां एवं भागीरथ के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोहियों ने सेना पर हमला बोल दिया। तो ये जो है किस स्थान पर बोला था, ये बोला था आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इंदौर में बोला था शहादत खां और भागीरथ के नेतृत्व में इंदौर में विद्रोहियों ने सेना पर जो कि हमला बोल दिया था। तो इंदौर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र किस नाम से प्रकाशित होता था।
अब ये जो प्रकाशित होता था किस नाम से होता था, तो आप सभी को आयोग के पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका कर्मवीर, कर्मवीर नाम से जो कि इनका पत्र प्रकाशित होता था राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु। अब ये पत्र किसका है, तो ये पत्र ऐसे भी पूछा सकता है कर्मवीर किसका जो कि प्रकाशित जो पत्र है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र था, आपको इतना भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यास विभाग और शासन से पृथक्करण की मांग उठाई थी। तो ये जो है किस अधिवेशन की यहाँ पर बात की गई है, ये की गई है लाहौर अधिवेशन की बात की गई है। यहाँ पर कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें जो कि डॉक्टर थे मध्य प्रदेश के हरि सिंह गौर, उन्होंने न्यास विभाग और शासन से के पृथक्करण की मांग उठाई थी। तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 1904 में अंग्रेजी शिक्षा इंग्लिश एजुकेशन को जो कि पुनर्जोर पर विरोध किया था, पुनर्जोर पर विरोध किया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस व्यक्ति ने ये किया था, ये जो किया था वो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये भी आप याद रखिए, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया जिसकी राजधानी थी। अब देखिए उत्तर क्षेत्र की जो रियासतें इनको मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया जिसकी राजधानी कौन सी थी, तो जिसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी रीवा, रीवा इसकी राजधानी थी। उत्तर क्षेत्र की जो रियासतें उनको मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया, अब उसकी राजधानी जो बनाया गया रीवा को बनाया गया, तो रीवा उसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने नगर पालिका हैं। आयोग का आपको पता भी होगा इसके बारे में, तो नहीं भी पता है तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। मध्य प्रदेश में टोटल जो नगर पालिका हैं वो है आपकी 98। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 98। आगे बात करेंगे, मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। मध्य प्रदेश का पिन कोड जो कि स्टार्ट होता है वो होता है आपका 4 जो कि डिजिट से। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 अंक से जो कि प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर आप ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश के जो जिले टोटल जो जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं उनकी संख्या 10। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अब देखिए मध्य प्रदेश में टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या है 12। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखिए थोड़ा सा, कई बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है। काला हिरण जो पाया जाता है विशेषता कहाँ पाया जाता है, कहाँ का आकर्षण है, तो ये जो है सतपुड़ा अभ्यारण्य, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है, सतपुड़ा अभ्यारण्य याद रखिए थोड़ा सा, काला हिरण के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, वहाँ कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें कई चट्टान आश्रय है, या फिर इसको ऐसा भी बोला जाता है वहाँ कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें कई रॉक आश्रय हैं, वो कहीं चट्टान आश्रय क्वेश्चन, रोक आश्रय भी इससे भी आ सकता है, चट्टान आश्रय से भी आ सकता है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपका एक ही इसका राइट आंसर होता है। अब इसका राइट आंसर आपका रहेगा नरसिंहगढ़, जो कि राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहाँ पर देखिए नरसिंहगढ़ जो अभ्यारण्य है ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जो चीड़ीको के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है चट्टान आश्रय के नाम से है मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य है जिसमें कई चट्टान आश्रय है या कई राक आश्रय है, तो नरसिंहगढ़ करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। हाल ही में व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ शुरू की गई है। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुका है, व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ जो कि कहाँ शुरू की गई है, तो ये जो की गई है आपकी जो कि मुकुंदपुर सतना के अंतर्गत यहाँ पे की गई है, तो ये आप नाम याद रखिए थोड़ा सा, व्हाइट टाइगर जो सफारी शुरू की गई है ये मुकुंदपुर सतना में की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, मुकुंदपुर जो कि सतना के अंतर्गत आता है, ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आयोग के आपको पता भी होगा इसके बारे में, उत्तरी सीमा पर जो नदी है मध्य प्रदेश की वो कौन सी नदी है, वो है आपकी चंबल नदी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, चंबल नदी जो है उत्तरी सीमा की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, झाबुआ स्थित है। अब देखिए झाबुआ स्थित है इससे हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, हम ऑप्शन देखेंगे उसके बाद में इसका जो कि राइट आंसर है क्लिक कर पाएंगे, उसके बाद में हमें पता चल पाएगा कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए झाबुआ स्थित है, अब देखिए यहाँ पर हमें आसानी से पता चल गया है कि झाबुआ किस नदी के किनारे स्थित है, तो झाबुआ जो स्थित है आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, झाबुआ नर्मदा नदी के किनारे स्थित है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है आपका, वीना साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। अब देखिए पत्रिका से रिलेटेड आपके एग्जाम में MPSI और कांस्टेबल के एग्जाम में कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पत्रिका पत्र पत्रिका समाचार पत्र से रिलेटेड। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी रिपीट हुआ है। तो वीना साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो ये जो होती थी आपके इंदौर से होती थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, वीना साहित्यिक पत्रिका इंदौर से प्रकाशित होती है। याद रखना है थोड़ा सा, इंदौर बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड आज के लिए आपका क्वेश्चन, ताजुल मस्जिद कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्लिक करके बताना है कि इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा। ताजुल मस्जिद कहाँ पर स्थित है, आपका ऑप्शन रहे इंदौर भोपाल जबलपुर, जो कि इंदौर, सॉरी रिपीट हो चुका है ऑप्शन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिले, इनमें से कमेंट करके आप हमें बताइए कि इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करें। एंड चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे नए वीडियो की जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।